हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के मिश्रा, द टीचर ऑफ इंग्लिश एस बी एम सी नी डी। टुडे वी शैल रीड द स्टोरी द फ्रेंडली मांगोज पार्ट थ्री। वी हैव रीड एट फर्स्ट दैट देयर वॉज अ फार्मर। He lived with his wife and a little son, and he needed a friend for his son. That's why he brought a baby mongoose in his home. Once his wife and he left the house alone, and his child and the friend and mongoose were together. Now the third part, there are some important points. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. जैसा कि हम पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि एक किसान था। किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक गांव में रहा करते थे। दोनों बहुत अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन उनके पास एक ही कमी थी, जो कि उनके बच्चे के साथ जब बड़ा होने को था तो उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। इसलिए वह एक दिन नेवले के बच्चे को लाया और उसने सोचा कि यह जो है से कुछ दिनों के बाद इसका मित्र बन जाएगा। और दोनों मित्र बन जाते हैं। एक दिन जो है सो किसान की पत्नी बाजार चली जाती है और किसान खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. यद्यपि हम इस पाठ को इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके थे, फिर भी जो है से कुछ अभिभावक के अनुसार उनके डिमांड के आधार पर इसे हिंदी मीडियम में मैं कर रहा हूँ। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। किसान की पत्नी दुकानदारी करके मार्केटिंग करके घर वापस लौटी उसके हाथ में बास्केट पूरे सामान से भरे थे। शी सॉ द मंगोज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखी नेवले को जैसे उसका इंतजार कर रहा हो बाहर में बैठकर। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। उसे देखकर वह नेवला स्वागत करने के लिए दौड़ा। एज वाज कस्टमरी, जैसा कि उसका यह नियम था। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mongoose and screamed. किसान की पत्नी ने एक नज़र डाली
निवले के ऊपर और चीख पड़ी, ब्लड, सी क्राइड, खून, उसने चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मांगूस वर स्मेर्ड विद ब्लड, निवले का पंजा और चेहरे दोनों खून से लथपथ थे। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वह पागल की तरह बड़बड़ाई, चीखी, तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मांगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। वह क्रोध से अंधी हो गई और पूरे शक्ति से अपने भारी भरकम बास्केट को, जो सामानों से भरा था, उसे खून से लथपथ नेवले के ऊपर पटक दी और दौड़कर अपने बच्चे के पालने के पास अंदर गई। नेक्स्ट वी शैल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्ट स्टोरी। The students who are watching the video, they should like, subscribe and share. ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। दोज स्टूडेंट्स हु हैव एनी डिफिकल्टीज और हिंड्रेंस, दे शुड ऑल्सो कमेंट अगेंस्ट इट। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कुछ परेशानी होगी वे कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू।